हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन यमुना तीरा चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री ब्रज रीति चिंतामणि की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे ग्रंथ श्री ब्रज रीति चिंतामणि ग्रंथ से श्रवण कर रहे थे, दूसरे अध्याय से, जिसमें ब्रज की महिमा और ब्रज से संबंधित और भी भगवान की लीलाएं, इन सब का वर्णन किया गया है। इसी को आज हम आगे श्रवण करेंगे। ब्रज की महिमा है, ब्रज की लीलाएं हैं, ब्रज की भूमि, ये सब है। कल हम कुंज की महिमा श्रवण करें थे, आज उसके आगे की महिमा श्रवण करेंगे। कल्पाग कुंजम नव मंदिरम तत् समंतस्तस्य परेस्त कुंज तथेव सर्वे नव मंदिरास्ते प्रत्येकम अन्यापि ततः परेयम्। जो कुंज है
वृक्ष कुंज है, उसमें 9 मंडप, कुंज में 9 मंडप है, और वो जो कल्प वृक्ष का उसमें 9 मंडप है, ये सब वृंदावन की शोभा बता रहे हैं। और 8 और मंडप है, और सब में 9 9 मंडप और है। 8 और कुंज हैं जिसमें 9 9 मंडप है। मंडप मतलब टेंट अंदर लगा के जो भगवान के लिए बनाते हैं। और हर कुंज जो है 8 दूसरे कुंजों से घिरा हुआ, और सब में 9 9 मंडप पवेलियन है। ये वृंदावन की शोभा बता रहे हैं, कुंजों की शोभा। यत कुंज राजम व्रत कल्प वृक्षम वृंदावनेशलसितालं तत् ततः सखीनाम अत किंकरीनाम समन्तस्तत्प्रतः क्रमेण। जो मुख्य कुंज है वो कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है, जो मुख्य डिजायट्री है, मुख्य मुख्य कुंज है, वो कई कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। ये राधा रानी का जो मुख्य कुंज है वो राधा रानी का प्लेस, राधा रानी का स्थान है। इसी के आसपास जो कुंज है वो सखियों के और उनकी सेविकाओं के, सर्वत मध्ये वर मंदिरम यद यूथेश्वरी तत्र गणेश्वरी वा कांतेन साकं यदि राजते तत् तत्तालवस् तदालयस्तत् परा मंदिरेश। केंद्र में मुख्य गोपी जो है, केंद्र में मुख्य गोपी का मंडप है उस कुंज के। जब वो मुख्य गोपी कौन है? राधा रानी। जब मुख्य गोपी कृष्ण के साथ रहती है तो सखियां आसपास के दूसरे मंडपों में रहती। सकल्प वृक्षा तदधो निकुंजम तन मंदिराणि अपि अतिचित्राक्ष चित्राक्ष यावन मुकुंद प्रिय प्रस्थिता प्रस्थानी भवन्ति तवान्ति नता विदन्ति। जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे कुंज है और उसमें कई अद्भुत मंडप हैं। ये मंडप गोपियों की इच्छा के अनुसार बनते हैं, पर गोपियां भी इन मंडपों को काउंट नहीं कर सकती। इतने मंडप रहते, इतने अनगिनत रहते कि गोपियां भी इन मंडपों को काउंट नहीं कर सकती। गोविंद भूमि त्रिपुर गोविंद भूमि त्रिपुराण गीतम यद यो गोपीथाख्यम आपिततंत्रे श्री राधाया श्री विदुयोग धामा श्री कुंज राजम निगदाम नामा। इस स्थान को बोलते हैं गोविंद भूमि, पुराणों में इसको गोविंद भूमि के नाम से जाना जाता है। और तंत्रों में इसको योगपीठ के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसे कुंजों का राजा, कुंज राज बोलते हैं, जहां पे कृष्ण राधा रानी के साथ मिलते हैं, इसको बोलते हैं कुंज राज। इसको पुराणों में उसको गोविंद भूमि माना जाता है।
तंत्रों में इसको योगपीठ बोला जाता। यद दक्षिणे राजतिराज केली दोला स्थलियाति विचित्र शिल्प आनंद वृंदावने वयसा स्वरूप स्वरूप शोभा शयनदास। इसके दक्षिण में कुंज राज के दक्षिण में झूले वाला मंडप है। कुंज राज के दक्षिण में झूले वाला मंडप है, बहुत ध्यान पूर्वक बनाया गया है। इसका जो आकर्षण है आनंद वृंदावन चंपू में बताया गया। तदक्षिणे दूरातेव किंचित श्री स्वामी गोविंद पदे सरोस्ति समन्ततो यस्य निकुंज पुंज ये सुल्लासंति भ्रमार्ति कुंज। उससे थोड़ी दूर पर उसके दक्षिण में गोविंद की झील है, गोविंद झील, लेक ऑफ गोविंद, गोविंद का जलाशय है। यहाँ पे बहुत सारे कुंज हैं जहां पे हमेशा मधुमक्खी अपना गान करती थी, हमिंग करती रहती। ये राधा और कृष्ण का कुंज है, सेंटर में गोविंद भूमि का वर्णन आ रहा है, जिसको गोविंद भूमि बोलते हैं या योग पीठ भी बोलते हैं। यद ब्रह्मा कुंडम शिव कोण तुंडम समान ततस्तस्य च कुंज पुंज यदुत्तरे सा सदा शोक वाटी धात्वी यद तत्पय धैर्य लुंठे। उसके उत्तर पूर्व में, गोविंद कुंड के उत्तर पूर्व में ब्रह्म कुंड है। गोविंद कुंड के उत्तर पूर्व में ब्रह्मा का जगह कुंड है, वो भी कुंजों से घिरा हुआ है। उसके उत्तर में अशोक अशोक वृक्षों का झुंड है। अशोक ये जो है वृक्षों का झुंड जो है, ये जैसे एक लुटेरा होता है, ये राधा रानी का जो राधा और कृष्ण का जो शांत स्वभाव वो चोरी कर लेता है। गोपी सा इशा सदतत गोपी सा इशा सदतत इशा कौने गोपी जनानाम वरदो रचनीय श्री कृष्ण संग यथा सदुति जनो विनोदेन मनोधिनोति। जो गोपीसा है वो ब्रह्म कुंड के उत्तर पूर्व में है। शिव शिव मतलब जो शिव को ईशा कोण, जो ईशान कोण, ईशा कोण है वो शिव का होता है। तो शिव जो है, जो गोपी को द्वारा पूजित है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है और उनके मन को संतुष्ट किया है। जैसे मैसेंजर जो है, जो संदेश देने वाला है, उस व्यक्ति के मन को प्रसन्न कर देता है जो कृष्ण का संग पाने की इच्छा रखता है। तस्य सकोने तदा तस्य सकोने तदा तद आदुरा एव तते ततनिया नते भाति वंशी बटो यस्य तले स वंशिम वंशी धरो वाद्यते प्रियाभ्य। इनके नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी दूर पर यमुना के किनारे वंशी बट है। इस बंशी भट्ट के बेस में, तले में, इस बंशी भट्ट के आधार में कृष्ण जो है गोपियों के साथ में बांसुरी बजाते हैं। ये सब वृंदावन की शोभा का वर्णन आ रहा है। तो जो यहाँ पे भौम वृंदावन है वो पूरा स्पिरिचुअल वृंदावन का कॉपी है। यहाँ पे भी बंशी भट्ट सब है।
यद उत्तरे नयनम तम तत् तन्नाम गीतम श्रुतिचेतनितम शोनार्थितो यत्र परम प्रियं प्राग रासोन मुखाभ्य रमयन प्रियाभ्य। इसके नॉर्थ में, इसके उत्तर में एक जगह है जिसके नाम है निधुवन है। इसके नॉर्थ में, उत्तर में जो जगह है जिसका नाम है निधुवन है, इसको नाम को श्रवण करना चाहिए और उसपे भी इस पे चिंतन करना चाहिए। जब गोपियों के साथ रासलीला हो रही थी तो गोपियों को छोड़ के भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ इस जगह पे आए थे जिसको बोलते हैं निधुवन। रासलीला में भगवान जब गोपियों को छोड़ के आए थे पहली बार, तो जो है यहां पर निधुवन में आए थे राधा रानी के साथ। इसलिए इस शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए निधुवन, और इस पे चिंतन करना चाहिए। इतना पवित्र शब्द है। सूर्यास्पदे नये रत्र कोन कंडे कुंदो थवत कुंज निकुंज पुंजे क्षीराधिका सूर्य समर समार्चनैया नवा जवारा जतिराग फुल्ला। इसके दक्षिण पश्चिम में सूर्य देवता निवास करते हैं, सबके कुंज वहां पे ओरिजिनल। कहां पर? एक कमल का जो कुंज है, पूरा बगीचा कमल का, उसमें एक जलाशय के पास में वहां पे सूर्य देवता निवास करते हैं। और वहीं पे जावा नाम का लाल फूल होता है जिसमें राधा रानी सूर्य की पूजा करती है। उस फूल को ये देख सूर्य की पूजा करती। तो ये पूरा दृश्य जो है ये वृंदावन का, लेकिन सब अपने मूल रूप में है वहां पे। ये सूर्य वहां पे देवता नहीं, सूर्य अपने मूल रूप में है। इनके जो सबसे सबके आध्यात्मिक स्वरूप है, जैसे शिव का भी सूर्य, ब्रह्मा शिव, इनके एक आध्यात्मिक स्वरूप है जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक स्वरूप। ये इनके जो है भौतिक स्वरूप है जो हमें दूसरे दिखाई देते हैं इस भौतिक जगत। आगे बढ़ना रहता है। बाह्याब कोने च कदम्ब मूले या भद्रकाले अस्थित अर्चनयम् सा गोप कन्यादिकचेत्रचित्तं चोरी चक्रास्ति चचीरा चोरा। उसके ये सब राधा कुंज, जो कृष्ण राधा की कुंज है, जो गोविंद भूमि है, योग पीठ है, उसके आसपास का सारा वर्णन हो रहा है। किस किस दिशा दिशा में क्या क्या है, वो सेंटर में सारा वृंदावन इस तरह से बसा हुआ है। उसके उत्तर पश्चिम में कदम वृक्ष के नीचे भद्रकाली का टेम्पल है, ये वृंदावन में। लेकिन ये भद्रकाली अपने मूल स्वरूप में, एक्चुअली वो योग मार्ग का एक्सपांशन है। यहाँ पे उनका भौतिक रूप है, जो जैसे हर जीव का एक आत्मा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हर जीव का एक स्वरूप है। जब जीव उस स्वरूप को प्राप्त प्राप्त कर लेता है, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। हर जीव का ये जो रूप है, भौतिक रूप है, ये ओरिजिनल नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। उसी को स्वरूप सिद्धि के, फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना, जो आध्यात्मिक जगत में जो स्वरूप है। हर एक की पोजीशन आध्यात्मिक जगत में, सब देवी देवताओं की भी पोजीशन है जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप, तो वो भौतिक नहीं है। तो वहां की जो भद्रकाली, वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। तो वहां पे कदम ट्री के नीचे जो है भद्रकाली का टेम्पल है, वहां पे शिव जी, ब्रह्मा जी सब है। भद्रकाली की पूजा करते हुए जब वो गोपियां भद्रकाली की पूजा करती थी, तो कृष्ण ने उस समय गोपियों के मन को और वस्त्रों को हर लिया था उसी समय।
जब उन्होंने उसका उपवास किया था। पुने अनलस्य तिसर विघ्न राजो यमर चयन्ति प्रत्यय प्रियंत प्रिया प्रसंगे अनिष्ट विघ्न शंका शंका लभन्ते विनोद यमने। उसके उसके दक्षिण पूर्व में गणेश जी का टेम्पल है, ये वृंदावन की शोभा का वर्णन हो। उसके उत्तर पूर्व में गणेश जी का टेम्पल, गोपियां जो है गणेश जी का पूजा करती है। क्यों करती है, क्यों करती है गणेश जी की पूजा? गोपियां इसलिए करती है कि वो हमेशा चिंतित रहती कि कृष्ण से मिलने में उनको हमेशा बाधा आती है, इसलिए गणेश जी की पूजा करती। कृष्ण से उनको मिलने में जो बाधा आया उसको गणेश जी हटा दे। अगर ऐसे इस उद्देश्य से पूजा नहीं करेंगे तो उनको चिंता होती रहेगी कृष्ण से मिलने। ये सब आध्यात्मिक लेवल पे। प्रचयान्दिष्ट प्रेम प्रपूना श्री वेणु कूपम विलसे अस्ति आलम्यत श्री वेणु वादे स्वयं विरास्ति श्री वेणु पाने परम प्रयाति। इस स्थान के पूर्व में जहां पे बंसी का कुआ है, बांसुरी का कुआ है जो प्रेम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? बांसुरी के प्रेम से, जो प्रेम निकला उससे भरा हुआ है, कृष्ण की बांसुरी से जो निकला। ये कुआ है जो बांसुरी की ध्वनि से भरा हुआ है, उसमें जो प्रेम है उससे भरा हुआ है। और ये जो है, ये कुआ अपने आप को इसलिए इसने प्रदर्शित किया है कि राधा रानी को इस तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उसमें बांसुरी का प्रेम भरा हुआ उस कुएं। रासोन्मुखे त्यक समस्त कांता कांतस्तदा वाद्यात् अशु वेणु रहो विलासेन तया यदाद्भुत तस्याय पिपासा ऋतम पिपस्सिरत। भगवान रास लीला में दूसरी गोपी को छोड़कर जब कृष्ण जो है राधा रानी के साथ में था, है कृष्ण जब राधा रानी के साथ में था, राधा रानी को प्यास लगी तो उन्होंने इस कुएं का पानी, पानी नहीं था, इस कुएं में बंशी का जो प्रेम था उसको पिया। जब राधा रानी के साथ ही तो उनको पेश हुआ, तो जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा रानी ने उसका बांसुरी का बांसुरी से प्रेम का पानी पिया। श्रृंगार शांतो यदधो निकुंजे श्रृंगार यम्मा च परम प्रियम च श्रृंगार नाम सा बतो अधुनापि संगीयते तत् तत् इविक्षते च। वहां पे श्रृंगार शांति नामक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जो कुंज है वहां पे कृष्ण और राधा रानी ने डेकोरेट हुए थे, सजाया था उन्होंने एक दूसरे। ये बरगद का जो पेड़ है इसको फिर आज भी श्रृंगार वृक्ष बोलते हैं, और आज भी इसको देखा जा सकता है श्रृंगार वन। यदा सवंशी बतग सवंशी वंशी धरो वदयादा सुतर धीरा समीरोपि बभूव यत्र स्थलम च तद्धीर समीरा नाम। जब कृष्ण ने बंसी बट छोड़ दिया और अपनी बांसुरी बजाने लगे, उसी समय सुगंधित शांत हवा बहने लगी। इस प्लेस को जहां पे कृष्ण बांसुरी बजाए इसको बोलते हैं धीर समीर। जहां जहां पे कृष्ण जो जो लीलाएं की, छोटी छोटी भी लीलाएं की, तो वहां पे इस प्लेस का नाम है धीर समीर।
क्योंकि वहां पे मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी, शांत वायु, जैसे कृष्ण अपनी बांसुरी बजाई। इसके बाद समंततो यद्यपि भाति कृष्णा कृष्णानुरागो पुलिनानि तस्य तथेव सर्वत तथापि वंशी बतो बतो अन्ति मन्ये नतानि मन्ये। यमुना जो है वो कृष्ण से आसक्त है, यमुना कृष्ण से आसक्त है, और उसके सारे किराने किनारे जो है बहुत, कृष्ण जब उपस्थित है सारे किनारे बहुत चमकते हैं, और वंशीवट के आसपास का पूरा क्षेत्र ही नाचने लगता है जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। सर्वत कुंजोत्तम मंदिरेशु वृंदा वृंदादय प्रत्यहम एव सारम सयादिकम या रचयन्ति चित्रम चित्रम सकृष्णोऽपि यदक्षणे स्यात्। कृष्ण को आश्चर्य होता है क्योंकि वृंदा देवी जो है, वृंदा देवी और दूसरे साथ में गोपियां हैं, ये कृष्ण के लिए बेस्ट, जो सबसे बड़े कुंज हैं उनके मंडप में, जो कुंजों के अंदर, एक एक कुंज के अंदर आठ आठ नौ मंडप है, उसके अंदर अमेजिंग बेड तैयार करती, कृष्ण की शैया शैया तैयार करती। कृष्ण भी आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर शैया तैयार की वृंदा देवी और सारी जो गोपियां हैं उस राधा कृष्ण की लीला में, तो वो अमेजिंग बेड्स, आश्चर्यजनक, एवरी डे उसके बेस्ट मंडप में, जो कुंज बेस्ट कुंज के सबसे अच्छा कुंज जो है उसके सबसे अच्छे मंडप में, उसमें एक से आठ से नौ पेविलियन मंडप रहते हैं, उसमें कृष्ण भी आश्चर्य होते हैं इतने सुंदर सुंदर बेड बनाए, बिस्तर शैया तैयार किए। तत्रैव सर्वा प्रतिभा श्रद्धा तांबूल सर्वादि अवथा च तत्सर्वमालोक्यरसेन चित्रं चित्तं दुरत्तं तस्सा तथा दुरश्च। एवरी मॉर्निंग उसपे हर सुबह जब देखती हैं वृंदा देवी दूसरी सखियां, तो उसमें लाख जो पैरों में लगाते हैं लाल कलर का, जो उसके छाप और तांबुल पान सुपारी, तांबुल और दूसरे जो पदार्थ है वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। इसको देखकर वृंदा देवी और दूसरे सखियों के, गोपियों के हृदय द्रवित हो जाते हैं, और वो स्वयं उनको देख के प्रेम से द्रवित हो जाती है, ब्लिसफुल प्रेम से द्रवित हो जाती है, आनंद देने वाले प्रेम से द्रवित हो जाती है। राधा कृष्ण की लीलाएं देख, श्री नंदीश्वर श्री नंदीश्वर मंदी नंतम अभी तो वृंदा वनेभ्यो पदम श्री वृंदावनम एव कारणावनम तत्रोलुषादरोषि च श्रीवृंदावनदेशलेसा मनने श्रीरीति चिंता मनु तदलीलारसलोभा शोभेन शोभनादे सर्गो द्वितीयोद्वा। इससे ये जो है इसके साथ में ये ब्रज रीति चिंतामणि का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ये अध्याय श्री विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर लिखते हैं कि अध्याय केवल मैंने वृंदावन के एक छोटे से पोर्शन का ध्यान करके रचित किया है, वृंदावन के एक छोटे से पोर्शन को, बहुत सूक्ष्म पोर्शन को
मेडिटेशन वाला स्मॉल पोर्शन, बंदा उनके एक बहुत छोटे से पोर्शन को ध्यान में रख के मैंने राधा कृष्ण की लीलाओं का रस के लोभ में मैंने इसका वर्णन किया है। ये वृंदावन के वनों के बारे में थोड़ा सा वर्णन है, उसके अंदर जो वृक्षों के झुंड हैं, कृष्ण की लीला का स्थल जो नंदीश्वर पर्वत के आसपास है, मैंने उनका छोटा सा एक सूक्ष्म रूप से ध्यान करके उसका ध्यान करके एक छोटा सा वर्णन किया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अध्याय में लिख रहे। आगे ये नंदीश्वर पर्वत और नंदगांव का वर्णन था दूसरे अध्याय में, पहले जनरल वर्णन था ब्रज का, भूमि का और उसका वर्णन था। अब वो नंदीश्वर, अब है गोवर्धन का एरिया का वर्णन, चैप्टर 3 तीसरा अध्याय। वृंदा वृंदावनेश्वर इदर्श वैभवसु माधुर्य धुर्या ध्वजवाद्धिनोति गोवर्धनो नाम धराधीराजो राजोपाश्रेर युवराज राजम। वृंदावन के अंदर पूर्ण ऐश्वर्य शक्ति के साथ में जो पर्वतों का राजा है गोवर्धन है, वो ऐसा दूर से लगता है जैसे ध्वज एक एक ध्वजा हो, और वो माधुरता से भरा हुआ है, और कृष्ण भगवान कृष्ण को अपनी रॉयल ऑफरिंग, उनको अपना उच्च कोटि का रॉयल तरीके से भोग ऑफर करने के लिए तैयार है गोवर्धन। नाना विधा रत्न वरेण्य वारः शिला यदीया विलसन्ति यत्र कृष्णस्य महासन कृष्णस्य महासनपीठ खत्वा शयादिरूपरस्य रजभूप। गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो पत्थर है वो पत्थर नहीं है, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जेम्स है, सबसे ऊंचे रत्नों में भी सर्वश्रेष्ठ रत्न है, अलग अलग प्रकार के हैं। यही जो है अलग अलग प्रकार के, इसी से कृष्ण का, यही जो रत्न है कृष्ण का सिंहासन का रूप लेते हैं, यही उनकी सीट का रूप लेते हैं, यही उनके गद्दे का रूप लेते हैं, और जो बिस्तर है शैया है वो रसराज, रसों के राजा में भी जो राजा है वो उस टाइप प्रकार का उनका शैया होता। यत कंदरा कुंज वरेण्य पुंज श्री कृष्ण केली रस मंदिरानी पृथक पृथक तत् परम प्रिय दे सौभाग्य भाग्योत्तम योग यत्तानि। गुफाओं में कंदराओं में और कुंजों में कई मंडप है, पवेलियन है, वे सारे रस उत्पन्न करते हैं जब कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। हर जो जगह है वहां पे गोवर्धन में, हर जो जगह है वो भगवान के अंतरंग लीलाओं के लिए, अंतरंग पार्षदों के साथ अंतरंग लीलाएं के लिए। पराग पुष्पेर मधुबीर मरंदे प्रवाल वृत्तीर्ण मधुरे फलेश्च नाना विहर यत् तरवो लता भी कृष्ण से सेवम रचयन्ति तभी। वृंदावन के जो वृक्ष हैं और लताएं हैं कृष्ण को सेवा करती हैं, कैसे? अपने पुष्पों से, अपने पुष्पों से, अपने परागकणों से, अपने शहद से, वृक्षों पे हनी हनी भी हो, अपने अमृत से, अपने कलियों से, अपने फ्रूट से वृक्ष लताएं अपनी सेवा करते। कृष्ण वृंदावन में पुष्प लता इसलिए हैं कि कृष्ण की सेवा करने की। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति अगर वृंदावन में रह रहा है तो कृष्ण की सेवा करने के लिए। यद्धातवोगारिका हिंगलया यद्धावतोगारिका हिंगालया मनः शिखाय मनः मनः शिलाख्या हरितला मुखाया
अति प्रिय श्याम शरीर शोभा लोभाय कुर्वन्ति विदु प्रियान। इसके खनिज, इसका लाल रंग रेड चौक, इसके कुंकू और लाल रंग का आर्सेनिक और हरितल, ये कृष्ण को प्रिय है। ये कृष्ण की शरीर को इससे डेकोरेट किया जाता है जिससे उनको गोपियों के प्रति प्रेम बढ़े। कस्तूरी कास्त धरि नैर निस्त्रत जात स्वयं कुमकुम सार जात कर्पूर पुरश्च सुगंधयन्ति कृष्णाय कृष्णा गुरु अब कृष्णाय कृष्णा गुरुभिश्च यत्र। गोवर्धन पर्वत पर जो कस्तूरी मृग के द्वारा कस्तूरी छोड़ी जाती, कस्तूरी सबसे सुगंधित माना जाता है इस संसार में, कस्तूरी मग के ज्यादा कस्तूरी छोड़ी जाती है, नेचुरल एक्सलेंट कुमकुम, एक कुमकुम भी नेचुरल होता है, एक नेचुरल कुमकुम और कर्पूर, कपूर गुण ये कृष्ण के लिए परफ्यूम का काम करते हैं। क्या 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 परफ्यूम का काम करते हैं? मस्क, कस्तूरी मृग से निकला जो सुगंधित वस्तु रहता है कस्तूरी बोलते हैं, डियर के द्वारा छोड़ा हुआ नेचुरल स्वाभाविक प्राकृतिक एक्सेलेंट कुमकुम और कैम्फर, ये परफ्यूम कृष्ण के लिए परफ्यूम कार्य करते हैं। और इसके साथ में कृष्णा गुरु सेंट, ये सब नेचुरल पदार्थ। यत्र अस्ति च चंदन सार जातिर नायत सर्प सच चेत विषान्न विषां च चेत् क्वापि न दुःखदं तद्धरे सुखेलं हरिदास वर्य। गोवर्धन पर्व के ऊपर जो उसका गोवर्धन को बोला जाता है हरिदास वर्य, सब हरि के दासों में श्रेष्ठ, द बेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट हरिदास वर्य। गोवर्धन पर्व ये सब उनकी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए इनकी सारी प्रॉपर्टी गोवर्धन की और उसकी गोपियों की। उसके ऊपर सैंडलवुड ट्री है, चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन उसमें सर्प नहीं है क्योंकि चंदन के वृक्ष जहाँ पे रहते हैं वहां पर सर्प बहुत रहते हैं, सर्प उससे लिपटे रहते हैं। गोवर्धन पर्व में जो उनका सर्वश्रेष्ठ चंदन के वृक्ष हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन उसको कोई सर्प नहीं है। अगर कोई सर्प दिखाई देता है तो उसमें कोई पॉइजन नहीं है, सर्प है तो कृष्ण की लीला के लिए है, उसमें कोई पॉइजन नहीं है। अगर कोई पॉइजन है तो पॉइजन से किसी को कष्ट नहीं होता, ये केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए है। अगर सर्प भी है तो सर्प में पॉइजन नहीं, अगर पॉइजन भी है तो उससे किसी को कष्ट नहीं होगा क्योंकि कृष्ण को आनंद देने के लिए वहां पे है। वायु मार्गाक्षय सर्पादि वक्षाभिरेव सदय स्वयं समास देश विशेर लाभो हरे रास हरिदास वर्य। गोवर्धन पर्वत पे हठ के कारण एक गोपी ने कृष्ण को छोड़ के चली गई, हठ के कारण। ये लीला ऐसी करते हैं, गोपी एक हठ के कारण कृष्ण को छोड़ के लिए नाराज होके, बट देखा कि स्नेह के आगे वो फिर से आगे कृष्ण को आगे गले लगा लिया। ये इस गले आलिंगन से कृष्ण को रस प्रदान हुआ। तो देखिए स्नेह की क्या लीला हुई, सर्प वहां क्यों है, सर्प की लीला की कोई गोपी गई
कृष्ण से नाराज होकर जाने लगी, तो देखा सांप है, सांपों के डर के वापस आ गई, कृष्ण गले लगा ले। इस तरीके से कृष्ण को रस प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। तो वहां की सारी चीजें जो है कृष्ण को आनंद प्रदान करने की। क्वचित चिला नील मणि प्रवीण कुतरा पितमार, कुतरा पितमार कतिका तना तहां पद्म रागा स्फटिक चकाश्चित गोवर्धनदार विदुकेलि कल्प। गोवर्धन के ऊपर कुछ स्थानों पे जो पत्थर है वो वहां के सबसे बेस्ट सफायर है। सफायर मतलब होता है नीलमणि, वही पत्थर दूसरी जगह पे एमराल्ड है, एमराल्ड ये दूसरा रत्न रहता है, और कई जगह ये पत्थर जो है रूबी के हैं, और कई जगह क्रिस्टल है। ये सब कृष्ण की लीलाओं के लिए यूज किए गए हैं वहां पे। गोवर्धन पर्वत के ऊपर सारी चीजें हैं कृष्ण की लीलाओं के लिए, हमें दिखाई नहीं देता। जम्बू नादग्रावरान कृष्णाग्रजोरम वृषभानुजाद दुराम प्रयाति स्फटी क्वचयात कृष्णाग्रजोत्रेति अपि सपीयत। जब बलराम जी इन फाइन गोल्ड स्टोन को देखते हैं, गोल्डन स्टोन को देखते हैं, पत्थर को, हीरे जवाहरात को देखते हैं, वो समझते हैं कि राधा रानी वहां पे है और वहां से दूर चले जाते हैं। जब राधा रानी क्रिस्टल को देखती, व्हाइट क्रिस्टल को देखती, वो सोचती कि वहां पे बलराम जी है, इसलिए वो वहां से दूर चले जाते। कृष्णस्तु जाम्बू, कृष्णस्तु जाम्बू नद मध्यमेति मुहु स्वकांता द्युतिविद बुद्धि कांतादि तस्येन्द्र मनीशीलतन शीलांतम कांता ब्रह्मचारी हरदास वर्य। गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो कि सबसे कृष्ण का सबसे बड़ा सेवक है हरिदास वर्य है। कृष्ण जो वहां पे सुगंध आती है, कृष्ण सोचते हैं कि राधा रानी किस साथ सुगंध आ रही है। और उस तरफ जाते हैं, और राधा रानी और दूसरी गोपियां जब सेफायर को देखती हैं, सेफायर विष्णु को देखती है, तो वो सोचती है कि कृष्ण है, उधर अप्रोच करती। क्यों? गोल्डन स्टोन जो है राधा रानी के कलर से मैच करते हैं, और सेफायर जो नीलमणि है, श्याम मणि है, वो कृष्ण को। तो जब जब राधा रानी नीलमणि को देखती तो सोचती कृष्ण उधर है, उधर जाती है, उस तरफ जाती है कि हो सकता है कृष्ण उधर। और जब कृष्ण गोल्डन स्टोन को देखते चमकते वाले पत्थर को, तो उसकी तरफ जाते हैं कि सोचता है राधा रानी वहां पे। यस्यांग शोभा न विलोपयंती काम्वा निकुंजेषु तरिषु दृष्टः कृष्णस्य कान्तानि मनसि हारा दिवि पदालक कतक चर्वित धातु। कौन व्यक्ति गोवर्धन के इस गोवर्धन के आकर्षित अंगों की तरफ आकर्षित नहीं होगा? गोवर्धन के ऊपर गोपियों के मालाएं हैं, गहने हैं, और गोपियों के ऊपर, क्योंकि माला कोई गोपियों की गिरी हुई माला, गोपियों के गहने गिरे हुए रहते हैं गोवर्धन पे, उसमें लाख के लाख जो पैरों में लगाते हैं, लाइक रेड रहता है, उसके प्रिंट हैं। और उनके द्वारा तबाए चबाए गए तांबुल तांबुल और सुपारी इधर उधर गिरा हुआ है, कुंजों में गिरी हुई सुपारी और गुफाओं में गिरी सुपारी। कौन ऐसे डेकोरेटेड गोवर्धन की तरफ आकर्षित नहीं होगा? ये गोवर्धन पर्वत की शोभा, गोवर्धन की परिक्रमा सब इसलिए करते हैं कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण के और गोपियों के, राधा रानी के चरणों से डेकोरेटेड है, और उसमें उनकी गिरी हुई वस्तुएं उसमें है। कौन ऐसे गोवर्धन की तरफ आकर्षित नहीं होगा?
यस्येन्द्रनीली मणिरेव कृष्णो जाम्बू ना जाम्बूदानीयेव तदीयकान्तः तत्केलयो यस्य कुटुम्बभावा गोवर्धनं तां करिमन्तु केव। कृष्ण जो है सेफायर नीलमणि है और गोपी गोल्ड गोल्ड पत्थर स्वर्ण पत्थर के समान है और ये सब गोवर्धन के नेकलेस इनसे बने हैं। कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला है गोवर्धन पर्वत ऊपर वो कृष्ण की जो लीला है गोपियों के साथ में गोवर्धन पर्वत ऊपर, ये गोवर्धन पर्वत के बच्चे हैं। ये लीलाएं जो है उनको बच्चों के समान है। इस गोवर्धन की महिमा सभी लोग गाते हैं क्योंकि यहाँ पे कृष्ण की सारी लीलाएं हुई। कृष्ण राधा और कृष्ण की लीलाएं, उनके गहने यहाँ पे टूटे वगैरह पर, उनके तांबुल हैं, उनके ज्वेलरी है, उनका नेकलेस है और उनके सारे चरण कमलों से पूरा सुशोभित है गोवर्धन। ये गोवर्धन की महिमा है। और जो उसकी लीलाएं जो उसने याद रखी वो उनके बच्चे हैं गोवर्धन के। सातांदवं तांदवने चरंती सातांदवं तांदविनाश चरंती गायन्ति भृंगश्च पिकाश्च वीक्ष्य तनवन्ति तालं बहुपक्षिणो यन्ये हरेस्तु सेवा हरिदास वर्य। गोवर्धन की सेवा, कृष्ण के प्रति सेवा देख के, गोवर्धन की ऐसी सेवा कृष्ण के प्रति देख के पिकॉक डांस करते हैं, मयूर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। वो जो मक्खियां भंवरे हैं और कुकू गाने लगते हैं और कई बर्ड्स कई जो पक्षी हैं उसी रिदम में सेम रिदम में सेम लय में वो भी साथ में गाने लगते हैं अपने अपने आवाज में। क्या गोवर्धन की कृष्ण के प्रति सेवा देख के कि गोवर्धन ने अपना पूरा शरीर अर्पित कर रखा है। ये पहाड़ जो दिखता है पर्वत एक गोवर्धन का शरीर है। तो पूरे शरीर पे कृष्ण राधा कृष्ण घूम रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उसी पे अपना चबाया हुआ तांबुल फेंकते हैं, उसके बाद में वो अपने नेकलेस गिराते हैं, उसी पे अपने ज्वेलरी गिराते हैं, इस तरीके से चरण स्पर्श करते हैं उसी पे। प्रयांत भूमिम परितो दियाम कृष्ण सिखेला वलिली लाति तन्नी कुंदनी कुंजानी पदानी भांति सनिराज हस्ते परित समंती। जो भूमि गोवर्धन के आसपास है उस भूमि में कई जलाशय हैं, कई कुंज हैं जो कृष्ण की लीलाओं के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार से गोवर्धन की ये महिमा का वर्णन हो रहा है। गोवर्धन की इस महिमा का वर्णन हो रहा है। और जो यहां से जो है, यहां से किस जो गोवर्धन है, गोवर्धन से कई झरने बहते रहते हैं यहां से इन स्थानों पे। जो गोवर्धन के आसपास की भूमि है उसमें गोवर्धन पर्वत से झरने ये आसपास की भूमि में बहते रहते। तत्पूर्ववत
स्मरणेन सद्य क्षीराधिका तद्दयितोऽपि उदाञ्चत् रोमाञ्चकम्पञ्चितसुन्दरस्य गोवर्धन के पूर्व में एक छोटा पौंड है जलाशय जिसका नाम है दान निवर्तन, जिसका नाम है दान निवर्तन, जहां पे टैक्स लगाया जाता है, कृष्ण जहां पे टैक्स लेते हैं वो जलाशय के नाम है दान निवर्तन है। इस स्थान को याद करके कृष्ण जो है तुरंत सुंदरता प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थान को याद करके ही कृष्ण कंपन करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने कई लीलाएं की है और अपनी और सुंदरता प्राप्त कर लेते हैं और उनके रोमांच खड़े रहते हैं। इस स्थान को याद करके यहाँ पे दान लेते हैं कृष्ण गोवर्धन पर्व। ततोपि पूर्वे परास लीला वली स्थली सती वलिष्य स्मृतापि तम तम नतेत कांदे श्वेरश्चंद्र सरोवरम च। हर एक वहां का जलाशय जो बहुत पावरफुल प्लेस है, वहां पे कई बार रासलीला हो चुकी है, भगवान की कई बार रासलीला हो चुकी है, किस पे जहां पे इन जलाशयों के किनारे जो गोवर्धन पर्वत के आसपास है। ये जो चंद्र सरोवर नामक स्थान है इसको याद करके राधा कृष्ण चंद्र सरोवर नामक स्थान को, जो गोवर्धन पर्वत के आसपास है, परिक्रमा में आता ही है, चंद्र सरोवर नामक स्थान को राधा और कृष्ण दोनों ही बिना किसी कारण से डांस करने लगते हैं और माधुरी रस में डूब जाते हैं, केवल चंद्र सरोवर को याद करके। गोवर्धन प्राग दिशि दक्षिणांशे शंकरानंद सरोवरम तत्पूर्वतो राजति एतच्च गौरी तीर्थं न गौरी पतिरेति यत्तु। गोवर्धन के दक्षिण पूर्व में संकर्षण आनंद सरोवर है और उसके पूर्व में गौरी तीर्थ है। शिव जी वहां पे नहीं जाते क्योंकि कृष्ण अपनी अंतरंग लीलाएं करते, शिव जी नहीं जाते। सदा तया तस् विहार है तो सौभाग्य भाग्यामृत भूरि भरा तस्य प्रियम यत् समस्त विद्या पतिम चक्षाशु निकुंज विद्यम। कृष्ण जो है श्रावण पूर्णिमा, श्रावण का जिस दिन फुल मून रहता है, कृष्ण राधा कृष्ण उस जगह पे गोवर्धन में उस जगह पे लीला करते हैं, इसलिए ये जो पूरा स्थान है ये ऑस्पिशियस मंगलता से भरा हुआ है। इस स्थान ने कृष्ण को कुंजों का अंतरंग ज्ञान दिया। संकर्षण दान निवर्तम निवर्तन च कुंद ततोर मध्ये महान कुतोत्सवम आतनोति आनंद राजो युवराज रंजी। संकर्षण कुंड के बीच में और दान निवर्तन के बीच में एक स्थान है जिसका जो आनंद का राजा है, यहाँ पे सारे फेस्टिवल होते हैं। कौन सा फेस्टिवल होता है? कृष्ण को अन्नकूट का जो भोजन है, पाइल ऑफ राइस, जो राइस का पहाड़ बनाया था उस जगह पे बनाया था, ये कृष्ण को आकर्षित करता है। इसी जगह पे संकर्षण कुंड दान निवर्तन के बीच में एक स्थान है जो आनंद का राजा, यहीं पे फेस्टिवल हुआ था अन्नकूट फेस्टिवल, कृष्ण को राइस का पूरा पहाड़ बनाया था यहाँ पे, कृष्ण को ये जगह आकर्षित करती है।
पाश्चात्य उल्लासितापदेषु कृष्णस्य केलीकवलीकृतेषु श्रीदानघाट्टे समरीसुघाट्टे यत्रो भयोरासवचो मिलासे। दान घाट, जो दान घाट है उधर दान घाटी बोलते हैं, दान घाट लिखा है यहाँ पे। दान घाट के पश्चिम में दान, वह पश्चिम में गोवर्धन के पश्चिम में इधर दान घाट है जो फाइन ज्वेल से एकदम महीन रत्नों से बना है। ये स्थान है जहां पर कृष्ण ने अपने ईटिंग पास टाइम भोजन वाले लीलाएं की थी, जिससे उनको प्रसन्नता हुई थी, भोजन की लीलाएं। दान घाटी के पास, दान घाटी वाले पर, यहाँ पे राधा कृष्ण और राधा और कृष्ण के बीच में कई वर्बल एक्सचेंज हुए, कई वार्तालाप हुए थे उनके, प्लेफुल वार्तालाप हुई थी, आनंद देने वाली वार्तालाप हुई थी। तददान केली कलिवाग विलासो विषम्य शन कमजन्मया तयोरपि श्रोत ततिम अतत अतनान नाति करोति असुमानस। कौन ऐसी लीलाओं से, राधा कृष्ण की कौन ऐसी लीलाओं से अद्भुत आश्चर्यचकित नहीं होगा। यहाँ पे कृष्ण की राधा रानी गोपियों से झगड़े की लीला होती है, टैक्स के बारे में झगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लिया गया था दान घाटी जगह। राधा और कृष्ण भी रिपीटेडली जब इन शब्दों को, इन क्वारल को, इन शब्दों को याद करते हैं तो वो डांस करने लगते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे टैक्स के लिए झगड़ा किया था। कृष्ण टैक्स मांगते हैं और गोपियां राधा रानी टैक्स नहीं देती। राधा कृष्ण भी इस जगह को याद करके ये उन शब्दों को सुन के डांस करते हैं, और तो अपने मन में और अपने शरीर से डांस करते हैं। ये ऐसी अद्भुत लीलाओं वाला स्थल है दान घाटी गोवर्धन में। इस प्रकार की वृंदावन की लीला है, और भी आगे लीला है, लेकिन अभी समय होने जा रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री ब्रज रीति चिंतामणि की जय। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की जय। श्री श्री भानु स्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।